विद्यालय से संबंधित 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो और आदिवासियों की बात हो, सभी विषय पे अपनी अपनी राय सारे लोगों ने रख दिया और कुछ क्रांतिकारी स्टूडेंट फोर्सेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो इसके पहले जिनसे हम बात किए हैं उन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे रखी। जो फासिज्म का जड़ होती है ना वो इसी गुजबा जनवाद में ही समाहित होती है, तो ऐसे में ये कह देना कि ये पार्लियामेंट्री ये डेमोक्रेसी है इसके जरिए मैं इस फासिज्म को खत्म कर दूंगा, ये भी अपने आप में एक डोगमा है। ठीक है, वो एक टैक्टिक के रूप में आप यूज कर सकते हैं, बेशक आप उसको यूज करिए, लेकिन इस सरकार इस गवर्नमेंट को छोड़कर दूसरा गवर्नमेंट आ जाना, दूसरी सरकार को बदल देना, फासिज्म का अंत हो जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि हर समय फासिज्म जो होता है वो कैटराइज होता है, वो जमीन पर होता है। इसलिए जो क्रांतिकारी ताकतें हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि क्रांतिकारी ताकतों का जो इसेंस है, जो उनकी भावना है वो बेहद बहुत अच्छी है, लेकिन उस भावना और प्रतिवाद चूंकि ये ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं और हमको क्रांतिकारी समझ विकसित करनी होगी, हमको हर एक युवा के अंदर भगत सिंह को पैदा करना होगा। भगत सिंह ने कहा कि ये भावनाएं और प्रतिवाद ज़्यादा देर नहीं चलते हैं, ऐसे में जरूरी ये है कि क्रांतिकारी समझ को विकसित करें, तब एक हम क्रांतिकारी रास्ते को अख्तियार कर सकते हैं। फांसीवाद को भगाने के लिए केवल ये कह दिया जाए कि ये पार्टी नहीं ये पार्टी है, तो खासतौर से हम केवल क्रांतिकारी ताकतों क्रांतिकारी छात्र संगठनों से ये कहना चाहते हैं कि जो उनके अंदर के कुछ जो डोगमा होते हैं अलग अलग कुछ उनकी अपनी बातें हैं हर टाइम तक दूसरे की, उसको छोड़कर वो इस बात को समझे, ये जो धर्म उपदेशक है और जो सत्ता के स्वामियों का गठजोड़ है, सत्ता के स्वामियों का और धर्म उपदेशकों का गठजोड़, ये जेल फांसी का कोड़े जैसे प्रतीक उत्पन्न करता है, ये फासिज्म की असली वजह है। तो इसको समझने के लिए केवल क्रांतिकारी ताकतों से ये अपील करेंगे कि वो हमारे पूरे अभी बात हो रही थी कि जो ये बुर्जुआ जनवाद होता है इसमें हर बार हम लोग क्या करते हैं, बुर्जुआ जनवाद में हर बार एक जो आपरेस्ट क्लास होता है वो एक अपना प्रतिनिधि हर बार पार्लियामेंट में भेजता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपरेस्ट करने के, इससे हम पूरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। हर एक समस्या का उसके असली रूप में देखने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम हर एक तरीके के अपने पूर्वाग्रहों से आज़ाद हों, और यही तरीका इतिहास के वैज्ञानिक गति का, इतिहास का जो एक नैसर्गिक गति होता है, जो एक स्वाभाविक गति होता है, इसी का अध्ययन पूरा मार्क्सवाद है। तो ऐसे में जो ये समस्याएं जो उपजी हैं साथियों, ये समस्याएं उपजती रहेंगी जब तक मार्क्स ने जो बात एक बात कही थी कि जो जो हमारी आपकी जो सोच है, जो पहनावा है, जो हम सोचते हैं, जो ह्यूमन एसेंस है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग नहीं है। ह्यूमन एसेंस इज नो एब्स्ट्रैक्शन बट इन इट्स रियलिटी इट इज द एंसेंबल ऑफ द सोशल रिलेशन। ये हम जिस सोशल रिलेशन पैदा होते हैं उसका एक चोला पहन लेते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कम्युनिस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट डिस्टेंस टू कंसील देयर व्यूज एंड एम, दे ओनली डिक्लेयर दैट देयर एम कैन बी अटेंड ओनली बाय द फोर्सिबल ओवरथ्रो ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशन। पॉलिटेरियंस हैव नथिंग टू लूज बट दे हैव ए वर्ल्ड टू बी। तो ये जो हमारे रूलिंग क्लासेस है, रूलिंग क्लास टेम्पल एट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, हमको इन सब पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन असली जो हमारी बात है, इस जो हमारा संविधान जो हमको हक देता है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में आप जाइए, तो उसका एक टैक्टिक के रूप में यूज किया जाना चाहिए। लेकिन आज की इस पूरी व्यवस्था को एक समाजवादी संक्रमण के जरिए एक ऐसी व्यवस्था में धकेल देना है वहाँ मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण समाप्त हो जाए। ये मैं भगत सिंह का लास्ट सेशन बोलकर अंत कर दूंगा साथियों, कि तूफान और झंझावातों में पैरों पर खड़ा रहना बच्चों का खेल नहीं होता। अभी एक हमारे सीनियर शादी कह रहे थे कि हमको फांसी पर आज चल जाना चाहिए, लेकिन वो एक दुस्साहसवादी भटकाव का रास्ता तैयार करें। हमें आज अपने समाज की, अपने देश की इस छात्र युवा आंदोलन को, अपने देश के उस आवाम को, उस शोषक आवाम के साथ उनके संघर्षों को एकजुट करके हमको देश का एक व्यापक जन समुदाय का संघर्ष और संपूर्ण युवा आंदोलन को एक सही समझ की दिशा के आधार पर आगे बढ़ाना होगा सर। और लास्ट में मैं ये बात बताकर खत्म कर देना चाहता हूँ, जो ब्राह्मणवाद का बार बार बिगुल यहाँ बजाया जाता है, वास्तव में ब्राह्मणवाद की एक समस्या है, लेकिन वो समस्या इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन से नहीं खत्म हो सकता, पूरी तरह से ये इरेडिकेट नहीं हो सकता है। इसको इरेडिकेट करने का ये भगत सिंह को अंदर भी इसका एसेंस था, उन्होंने कहा कि ये जो तंबी घमंडी ब्राह्मणों ने
दम्मी घमंडी ब्राह्मणों ने जो सूत्रों के साथ जो किया, जो उनको अज्ञान बनाए रखा और उनके ज्ञान की पवित्र पुस्तक सुन लेने बाद से उनके कान में शीशे पिघलाने की धारा स्नान करने की सजा भुगतनी पड़ती थी, इसके लिए जिम्मेदार कौन? अगर मैं भगत सिंह के एग्जैक्ट शब्दों में कोट करूं, तो उन्होंने कहा था कि निकट भविष्य में अंतिम युद्ध की रणभेरी गुजरेगी, क्योंकि उनको आशा था कि एक ताकत ऐसी जन्म लेगी, एक रिवोल्यूशनरी फोर्स ऐसी जन्म लेगी जो इस तमाम तरीके से शोषण वर्गों को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में अंतिम युद्ध की रणभेरी गुजरेगी और इसी में होगा अंतिम फैसला। और तमाम तरीके की तो तकियानुषी और ये पूंजीवादी, ये ब्राह्मणवादी, ये समसाई व्यवस्था है, ये जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक ये युद्ध निरंतर जारी रहेगा मेरे जोश और समाजिक चिंता के। और उन्होंने खुद के लिए ये कहा कि मैं इस युद्ध का एक निर्णायक वाहक, एक निर्णायक निर्णायक एक नेता, एक निर्णायक विवर्तनी कोई नायक नहीं हूँ। मैं इस युद्ध के संघर्षों का एक चरण से दूसरे चरण का सेतु बनने का काम कर रहा हूँ। मुझे केवल समझा जाए भगत सिंह हमारे लिए, उनका चेहरा हमारे एक अंदर एक भावना और जोश पैदा करने का काम तो करता है साथ, लेकिन भगत सिंह के विचार हम लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि वो जोश जज्बात के जरिए हमारी भावना बिल्कुल सही होती है, लेकिन भावनाओं के जरिए क्रांति नहीं हो सकती है। क्रांति के लिए क्रांतिकारी सिद्धांत को समझना जरूरी है, इस बात से मैं अंत करूंगा। और तमाम तरीके के जो क्रांतिकारी फोर्सेज हैं वो अपने सब जो डोगमा है उनका उससे बाहर निकलें और एक फ्रंट पे आकर अगर उनके अंदर क्रांतिकारिता की समझ है कि वो कुछ मुद्दे को लेकर केवल न उलझे रहें, क्योंकि आज की इस जड़ता और इस हटिया दोहराव की खो गई जिंदगी, इस पूरी दुनिया को वो एक ऐसे समाज में धकेलने का प्रयास करना है। हालांकि अब जो आज मौजूदा की जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, क्रांतिकारी फोर्सेज के पास फासिज्म का उभार है, तो तमाम तरीके के तकियन उसी समस्याएं हैं, लेकिन इन सबको टैकल करते हुए आज अपने देश काल की ठोस परिस्थिति का सही आकलन करके जितना हमारे देश का युवा आंदोलन है उसको सही समझ के आधार पर इस पूंजीवाद, इस साम्राज्यवाद के विरुद्ध इस पूरे व्यापक जन समुदाय को एकत्र करके अग्रज अंग के तौर पे आगे बढ़ाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद।